गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 16, गार्बेज इन गार्बेज आउट। एवरी डे वी पुट मैनी थिंग्स इन अवर डस्टबिन। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ईटिंग अ बनाना वी पुट द पील इन द डस्टबिन, आफ्टर ईटिंग चॉकलेट वी थ्रो द रैपर। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक चिप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, मिल्क, पल्सेस, ऑयल एंड राइस आर पैक्ड इन पेपर्स, रैपर्स, प्लास्टिक बैग्स, कार्डबोर्ड कार्टन्स, टिन बॉक्सेस एंड मैनी अदर काइंड्स ऑफ पैकिंग मटीरियल्स। After removing the product, the packing material become waste for us and we put it in the dustbin. हम डेली यूज में हम देखते हैं, डेली में कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम डस्टबिन में फेंकते हैं। जैसे आप अगर कोई फ्रूट खाते हैं तो उसके छिलके डस्टबिन में डालते हो, चॉकलेट खाते हो तो उसका रैपर डालते हो, चिप्स, बिस्किट, मिल्क, कुछ भी हम चावल दालें कुछ भी उसमें लाते हैं तो जो पेपर रैपर होते हैं या प्लास्टिक बैग्स होते हैं या कार्टन होते हैं कार्डबोर्ड के या टिन होते हैं जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो सभी मटेरियल्स को आप यूज करने के बाद उसको पैकिंग मटेरियल को वेस्ट एज अ वेस्ट डस्टबिन में डाल देते हो। वेस्ट आर मटेरियल और सब्सटेंसेस दैट आर नो लॉन्गर नीडेड, हैव बिकम यूजलेस, आर मीन टू बी थ्रोन अवे। वेस्ट हम किसको कहते हैं कि जिसकी हमें जरूरत नहीं होती हो आज के बाद, या जो हमारे लिए यूजलेस है या जो कि फेंकने लायक है। वेस्ट कैन बी सॉलिड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, लिक्विड लाइक यूज सोपी वाटर, और गैसियस गैसेस रिलीज बाय व्हीकल्स। सॉलिड वेस्ट इज कॉमनली कॉल्ड गार्बेज। वेस्ट क्या चीज है? सॉलिड में फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के छिलके, लिक्विड में हम जो कपड़े धोते हैं उसका सोपी वाटर या बर्तन धोते हैं, और गैसेस में क्या होते हैं, जो व्हीकल से गैसेस रिलीज होती हैं, वो सब क्या है, वेस्ट है। सॉलिड वेस्ट इज कॉमनली कॉल्ड गार्बेज, और जो सॉलिड वेस्ट होती है उसे हम कहते हैं गार्बेज। सोर्सेज ऑफ वेस्ट, वेस्ट आती कहां से है? वी यूज न्यू टेक्नोलॉजीज टू इम्प्रूव अवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बट दीज हैव ऑल्सो रिजल्टेड इन प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट। हम लोगों ने अपनी जो डेली लाइफ को बहुत इम्प्रूव किया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी चीजें हैं जो डेली एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होती हैं। वेस्ट इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड एट अवर होम्स, ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज, फार्म्स एंड हॉस्पिटल्स। और वेस्ट हर जगह पर होती है, घरों में भी वेस्ट मटेरियल होता है, ऑफिसेज में भी, इंडस्ट्रीज में, फार्म्स में, हॉस्पिटल्स में, सब जगह। टाइप्स ऑफ वेस्ट, वेस्ट आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दो तरीके की वेस्ट होती है, एक होती है बायोडिग्रेडेबल और एक होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेस्ट देन दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू सिंपलर एंड हार्मलेस सब्सटेंस सो दैट इट कैन नॉट हार्म द एनवायरमेंट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसी वेस्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ एक्शन करके और सिंपलर और हार्मलेस सब्सटेंस में चेंज हो जाती है, एनवायरमेंट को हार्म नहीं करती, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऑल द वेस्ट डिराइव फ्रॉम लिविंग मैटर इज बायोडिग्रेडेबल। जो लिविंग मैटर से वेस्ट होती है वो बायोडिग्रेडेबल कहलाती है, जैसे पील्स एंड कटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेफ्ट ओवर फूड, लीव्स, एनिमल डंग, प्लांट रेजिड्यू एंड एग्रीकल्चर वेस्ट आर सम एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फल फ्रूट के छिलके, बचा हुआ खाना, सूखे पत्ते, एनिमल डंग का मतलब है गोबर, प्लांट्स का बचा हुआ रेजिड्यू मतलब जो प्लांट्स सूख सड़ जाते हैं वो वाले, और एग्रीकल्चर में जो वेस्ट होती है ये सारी वेस्ट कहलाती है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेस्ट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो वेस्ट ब्रोकन डाउन नहीं हो सकती माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से और वो हार्मलेस होती है, हार्मलेस सब्सटेंस में चेंज नहीं होती, हार्मफुल होती है, वो कहलाती है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज दिस टाइप ऑफ वेस्ट डज नॉट रॉट और डिके। ऐसी वेस्ट को डिस्पोज करना या फेंकना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये रॉट मतलब या तो गलती सड़ती नहीं है। द गार्बेज दैट कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक ग्लासेस एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स इज नॉन बायोडिग्रेडेबल।
जो प्लास्टिक का वेस्ट मटेरियल होता है या जो मेटल्स होते हैं टूटे फूटे पुराने, वो सब कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कॉजेस पॉल्यूशन. अगर अगर इनको अच्छे से प्रॉपरली हैंडल ना किया जाए तो ये एनवायरमेंट को ये पॉल्यूशन फैलाते हैं एनवायरमेंट में. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक वेस्ट व्हेन बर्न्ड गिव्स आउट पॉइजनस गैसेस हार्मफुल टू आवर हेल्थ एंड कॉजेस एयर पॉल्यूशन. अगर प्लास्टिक मटेरियल को बर्न करा जाए जलाया जाए तो उसमें से पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए जो है हार्मफुल है और एयर को पॉल्यूट करती हैं. ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कंसिस्ट ऑफ थिंग्स लाइक डिस्कार्डेड ओल्ड कंप्यूटर्स टीवीज रेफ्रिजरेटर्स एंड रेडियोज बेसिकली एनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस दैट आर रीच्ड इन इट्स एंड ऑफ लाइफ. ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या कहलाती है? पुराने कंप्यूटर टीवीज रेफ्रिजरेटर रेडियो और भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो इनकी लाइफ एंड हो चुकी है, अब वो हमारे काम के नहीं रहे, तो वो कहलाती है आपकी ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. यहां पर एक एक्टिविटी है, कलेक्ट द एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर पैकिंग लंच स्टफ एवरीडे, डू दिस फॉर अ मंथ, वेट दिस एंड फाइंड आउट हाउ मच वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम इज जनरेटेड बाय योर क्लास. कैन यू इमेजिन हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड डेली फ्रॉम ऑफिस एंड स्कूल. अगर आप सोचो कि आप डेली का लंच में जो लेके जाते हो उसमें एल्यूमिनियम फॉयल में लेके जाते हो, और अगर आप उसको जो एल्यूमिनियम फॉयल जो फेंकनी है उसे एक लगातार इकट्ठा करते रहो एक मंथ के लिए, तो आप सोचो उसमें कितनी वेस्ट हो जाएगी. तो अगर आप ये सोचो कि एक पूरी क्लास कितनी एल्यूमिनियम फॉयल वेस्ट करेगी या एक ऑफिस या स्कूल पूरा, उसमें कितनी वेस्ट होगी. नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ गार्बेज. Separation of garbage is a non-hygienic and slow process. It can also adversely affect the health of the person separating garbage. So, the garbage should be separated at the point of its generation. Municipalities provide separate dustbin for collecting two kinds of garbage. Usually, one is blue-colored and the other is green-colored. Separation of garbage jo hai, wo ek non-hygienic aur slow process hai. क्या किया जाता है? इसको जहां पर कचरा इकट्ठा होता है वहीं पर इसको सेपरेट किया जाता है. म्युनिसिपैलिटी ने दो डस्टबिन प्रोवाइड कर रखे हैं, एक ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का. द ब्लू डस्टबिन इज फॉर कलेक्टिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल सच एज प्लास्टिक मेटल्स एंड ग्लास. दीज मटेरियल्स कैन बी रिसाइकल्ड एंड यूज्ड अगेन. जो ब्लू डस्टबिन है उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाली जाती है जैसे कि प्लास्टिक मेटल और ग्लासेस, जिसको कि रिसाइकल करके दोबारा यूज करा जा सकता है. और ग्रीन डस्टबिन में, द ग्रीन डस्टबिन इज फॉर कलेक्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज किचन वेस्ट एंड अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ग्रीन डस्टबिन में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाली जाती है जैसे कि किचन की वेस्ट है जिसमें कि आप फ्रूट फल के छिलके या एनिमल वेस्ट डालते हैं. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में How to reduce generation of garbage.